चैनल एंड आज हम देखने वाले हैं डाब चिंगरी। डाब चिंगरी एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है बंगालीज में एंड इसको हम जो नारियल पानी आप पीते हैं उस नारियल के अंदर हम बनाते हैं, तो उसकी हल्की सी मलाई की परत रहती है जिसमें कि ये मैरिनेटेड हल्का शैलो फ्राइड प्रॉन्स जो है ये उसमें कुक होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये हाफ किलो प्रॉन्स लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड नमक हल्दी मिला के मैंने इसको 5-10 मिनट रख दिया था एंड मैंने इसको सरसों के तेल में शैलो फ्राई में कर रही हूँ अभी। इसको फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो इसके बाद हम ले लेंगे एक बोल एंड उसमें आप डाल दीजिए अपने शैलो फ्राइड प्रॉन्स को एंड इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 4 हरी मिर्च एंड इसके बाद हम डालेंगे एक पेस्ट जिसमें है 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच नारियल का पेस्ट और इसको मैंने थोड़ा सा नारियल पानी ऐड करके मैंने डाला हुआ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच सरसों का तेल। मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा ग्रेवी चाहिए था, लेकिन ट्राई करें कि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो एंड इसके बाद आप डाल दीजिए अपने हिसाब से सॉल्ट, आपको कितना सॉल्ट चाहिए एंड देन आप थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करिए, एकदम ज़रा सा जस्ट फॉर टेस्ट एंड इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें बहुत ही कम हल्दी, थोड़ी सी कम हल्दी एंड यही है बस ये मसाले हैं जिस और आपको कोई भी मसाला इसमें नहीं चाहिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे ऐसे। देखिए ये थोड़ा सा वाटरी है क्योंकि हमको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, लेकिन इसको ट्राई करें कि आप थोड़ा सा थिक रखें। तो इस टाइम पे हम लोगों को इसे इस टेंडर कोकोनट में डाल देना है, टेंडर कोकोनट में हल्की सी मलाई होनी चाहिए एंड आधा किलो से थोड़ी कम प्रॉन्स एक नारियल में आ जाते हैं। तो बहुत लोग इसमें टेल रखते हैं प्रॉन्स के, बट मैंने नहीं रखा है एंड इसको आप एकदम अच्छे से आपको सील करना है, नहीं तो फिर ये उबलते उबलते आपका सारा जो लिक्विड है वो निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल के आया थोड़ा सा ग्रेवी एंड ये सील हो गया अच्छे से। तो इसको देखिए मैंने एक बोल में बिठाया हुआ है एंड कुकर में भी सेम मैं ऐसे ही बिठाने वाली हूँ इसको एंड कुकर में ज़रा सा नीचे पानी रहेगा एंड एक बड़ा कुकर मैंने लिया है, इसमें मैंने इसको बिठा के 30 मिनट्स कुक किया है। तो 30 मिनट्स के लो फ्लेम में कुक होने के बाद देखिए हमारा ये टेंडर कोकोनट का प्रॉन्स बिल्कुल रेडी है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये ऑथेंटिक बंगाली डाब चिंगरी डिश, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।